स्कूलों में जातिवाद किस तरह से काम करता है ये खबर जानकर आप खुद ही समझ जाएंगे। कर्नाटक के एक स्कूल में 7वीं से 9वीं क्लास तक के 7 स्टूडेंट से टॉयलेट साफ कराने का मामला सामने आया है। हद तो ये हो गई कि स्टूडेंट से सेप्टिक टैंक भी मैनुअली साफ कराया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मामला कोलार जिले के मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय का है। घटना कुछ दिन पहले की है लेकिन इससे जुड़ी तस्वीरें अभी वायरल हुई हैं। रविवार को 17 दिसंबर को सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो गई जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन होने लगा, लोग हंगामा करने लगे। लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रों से हाथों से सेप्टिक टैंक साफ कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे आया उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वहां छात्र खुले हाथों से ही सेप्टिक टैंक को साफ कर रहे हैं। तस्वीरों में 7 स्टूडेंट्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं जो टॉयलेट को सेप्टिक टैंक को अपने हाथों से ही साफ करते आपको दिख रहे हैं। इनमें से एक स्टूडेंट तो सेप्टिक टैंक के भीतर खड़ा नजर आ रहा है और इसमें 2 महिला टीचर भी नजर आ रही हैं। एक महिला छात्रों के नजदीक खड़ी है जबकि दूसरी महिला दूर खड़ी होकर निर्देश दे रही है, स्टूडेंट्स पर नजर रख रही है। मामले की जानकारी मिलते ही कर्नाटक के समाज कल्याण विभाग की एक कमेटी स्कूल के दौरे पर आई। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है क्योंकि अब हंगामा बढ़ गया तो अब वहां की सरकार भी एक्शन में आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि बाकी आरोपी टीचर्स के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। ये खबर आपको ये समझाने के लिए काफ़ी है कि कैसे जाति प्रधान देश में टीचर्स के दिमाग में भी, अध्यापकों के दिमाग में भी जातिवाद का जहर दौड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है, आपको तस्वीर में जो 7 स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं एक भी सवर्ण स्टूडेंट्स उसमें नहीं है, सारे के सारे दलित स्टूडेंट्स हैं और सारे के सारे स्टूडेंट्स अलग अलग क्लासेस के हैं। 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, इस तरह से अलग अलग क्लास से दलित छात्रों को चुन चुन कर लाया गया। यानी जो टीचर हैं वो जानते थे, वो क्लास में गए, उन्होंने चुन चुन कर दलित छात्रों को सेलेक्ट किया, बाहर वो लेकर आए और फिर उनसे ना सिर्फ टॉयलेट साफ कराया बल्कि सेप्टिक टैंक में उतार दिया, उनसे उसको क्लीन कराया। और ये कितना गंभीर मामला है, एक तो ये जातिवाद का सीधे सीधे मामला भी है जबकि ये जानलेवा अटैक भी है हमारे छात्रों पर, क्योंकि जो सेप्टिक टैंक है उसमें जहरीली गैस होती हैं और वो किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें सेप्टिक टैंक में उतरने से लोगों की मौत हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों को, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को सेप्टिक टैंक जैसी जहरीली और खतरनाक जगह पर उतार देना ये बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ है, इसलिए उन पर अटैम्प्ट टू मर्डर का केस भी दर्ज होना चाहिए कि बच्चों की जान लेने की कोशिश उन्होंने की है। अब इस तरीके से इस खबर को समझिए कि जो टीचर जानबूझकर दलित छात्रों को चुन कर लाए हैं, जिन बच्चों ने अपने हाथों से टॉयलेट को साफ किया है, सेप्टिक टैंक को साफ करके वो निकले हैं, जब वो वहां से निकलकर उस गंदगी से निकलकर वापस अपने क्लासरूम में गए होंगे तब उनके साथ बैठने वाले स्टूडेंट्स, उनके जो सहपाठी हैं वो उनको किस नज़र से देख रहे होंगे, क्या वो उनसे बात कर रहे होंगे, क्या वो उनके साथ बैठकर खाना पसंद कर रहे होंगे, क्या वो उनको छू रहे होंगे, या फिर ये घृणा उनके दिमाग में आएगी कि देखो ये कैसे गंदगी से निकल कर आए हैं, हम आपको छूएंगे नहीं, हम आपके पास नहीं बैठेंगे, आपके साथ खाएंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा देने का काम भी किया गया है, आपने क्लास में अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दिया है, एक संगीन और गंभीर अपराध इसको देखा जाना चाहिए। जो टीचर्स हैं वो अपने आप को बड़ा महिमा मंडित रखते हैं कि जो बहुत अच्छे गुरु होते हैं उनका स्थान जो है ईश्वर से भी ज़्यादा बड़ा होता है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, इस तरह की जो ब्राह्मणवादी बातें फैला दी जाती हैं, वैसे टीचर किस तरह से दलित बहुजन बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको अपना शिकार बनाते हैं, द्रोणाचार्य बनकर उनका अंगूठा काटते हैं, उनके नंबर काटते हैं, उनके नाम काट देते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको अपने जातिवाद का शिकार बनाते हैं, ये कर्नाटक का कोलार जिले के मोरारजी देसाई आवासीय स्कूल का मामला इसको समझाने के लिए काफ़ी है कि कैसे हमारे बच्चों को परेशान किया जाता है। आप सोचिए, जिस क्लास में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उनसे अगर इस तरह का काम कराया जाए तो वो बच्चे किस मुंह से उस क्लास में वापस जाएंगे, वहां बैठकर पढ़ेंगे। उनमें से अगर कोई बच्चा पढ़ाई छोड़ दे, अपमानित महसूस करे, बेइज्जत महसूस करे खुद को और फिर वो छोड़ दे वहां पर जाना, और फिर उस बच्चे की ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगा, उसका करियर नहीं बनेगा, उसकी पुश्तें जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। पूरा का पूरा षड्यंत्र है, पूरी की पूरी साजिश है कि दलित बहुजन समाज के बच्चों को पहले तो स्कूल में आने से रोक दो और अगर वो स्कूल में आ भी जाता है तो उसके साथ इस तरह की दरिंदगी करो, इस तरह से उसको परेशान करो
और फिर वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, या वो जो है मेंटल हेल्थ उसकी ख़राब हो जाए, वो पढ़ाई में उसका मन ना लगे, उसको इतना पीटो कि वो पढ़ाई कर ही ना पाए, स्कूल आना छोड़ दे, इस तरह के षड्यंत्र भी मनुवादी टीचर्स करते हैं, ये द्रोणाचार्य शिक्षक करते हैं। इसलिए इन पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज होना चाहिए। स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर देना चाहिए, वहाँ नए टीचर्स की नियुक्ति होनी चाहिए, जाँच उनकी होनी चाहिए, और जो ऐसा कर रहा है उस पर संगीन धाराओं में, उस पर जो है अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस लगना चाहिए, उस पर SC/ST एक्ट की धाराओं में भी केस दर्ज होना चाहिए, उनको गंभीर धाराओं में गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसे लोगों को खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। किस तरह से वो दलित बहुजन समाज के बच्चों को इंसान नहीं मानते, वो बच्चा नहीं मानते, और उनके साथ इस तरह का भेदभाव करते हैं। हमारे बच्चे कितनी तकलीफों के बाद स्कूल पहुँचते हैं, पहली जनरेशन के बच्चे, दूसरी जनरेशन के बच्चे स्कूल की दहलीज लांघते हैं, और फिर उनको इस तरह से परेशान किया जाता है, उनके साथ इस तरह का जातिवाद किया जाता है। बच्चे हमारे कितने इससे प्रताड़ित होंगे, कितना उनके दिमाग पर, जहन पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इसलिए ऐसे आरोपी टीचर्स पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपका इस मसले पर क्या कहना है? आपको लगता है कि ये जातिवाद का मामला है, या फिर ये सामान्य स्कूल में इस तरह से काम करा लेते हैं? फिर सवाल उठता है कि बाकी बच्चों से क्यों नहीं कराया, चुन चुन कर दलितों से ही क्यों कराया, बच्चों से उनको परेशान क्यों किया? आप अपना ओपिनियन कमेंट करके लिखें। आपसे अपील है, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मनु मीडिया के लोग आपको ये खबरें नहीं दिखाएंगे, उनके लिए ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपका अपना बहुजन मीडिया द न्यूज़ वीक आप तक ऐसी खबरें पहुंचाता रहेगा। आपसे अपील है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगली वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YesB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।